हाँ बिकट जगह गेन मिला मड़ई में फिर यहाँ नहीं जा पाए रहन, फिर अभी आए तो मैं देखे हूँ बड़ा भव्य बने हुए है सब कुछ, यहाँ से वहाँ तक बड़ा मंदिर भी बहुत सुंदर और दर्शन स्थल भी बहुत सुंदर, बड़े मेला लगे है, वाह गांव गांव के सब आए हैं कि बताइन भाई। हाँ बड़ दूरिया दूरिया आए हैं इसी की तब विशेष रूप से मंच में विराजमान आदरणीय हमर बड़े भैया देखर अभिभाषण सुनत रहें जेनी यहाँ के विधायक के और 10-15 बार के विधायक के और बहुत सब छत्तीसगढ़ में सबले सीनियर आदमी चाहे हुआ तब वो काय मोर मेर कही का ये करवा कोला करवा भैया तय जेन जेन के है तेखर पर मैं तोर पाछू पाछू रेंगूंगा तोर संग आगू बढ़ाबो बात लरे भाई फर्क नहीं खाए फिर भैया कदी तेन बात है छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सरकार है तो फर्क नहीं खाए कभू। आदरणीय हमर पूर्व विधायक चुरावन मंगेशकर जी, आदरणीय चंद्रभान बारमते जी, आदरणीय शैलेश पाठक जी, आदरणीय श्रीमती रजनी मानिक सोनवानी जी, आदरणीय पवन पांडे जी, आदरणीय हमर लीलावती पात्रे जी और विशेष रूप से हमर दीदी पद्मश्री उषा बारले जी, मोर छोटे भाई तरुण खांडेकर जी, डॉक्टर शिव कुमार बंजारा जी, शिव प्रताप सिंह जी, राणा प्रताप सिंह जी, सोम जी, शंकर सिंह जी, मोहन भोजवानी जी, श्रीकंत पांडे जी, आशुतोष पांडे जी, अश्वनी कश्यप जी, राजीव श्रीवासी, पंडित सुरेंद्र पाल जी, रेखचंद कोसले जी, राजकुमार वाधवा जी, ये सब जन बहुत जनऊ बैठे हैं भाई मंच में बिकट का नाम है फिर पूरा नाम नहीं लेवत हों। हमर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहाँ आना चाहत रहिन है, कल नया सरकार के विधानसभा के पहला दिन है और ओखर स्थिति बहुत सारा काम उनला हवे त महू उखरे संग जात रहे सब जगह तब मोला छोड़िन लालपुर मा और कहिन कितने जागा वहाँ नहीं जाबे और कोनोच नहीं जाबो तो केहल हो जही रे भाई नहीं बने बात तजा हो के आबे और मोर कोतिल हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेबे तक कही से, मोर कोतिल नरियर चढ़ा के आबे बाबा में तक कही से और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ये बात ल कहबे कही से ये साल नहीं आ पाए तो मोला माफ़ करी महतारी बहनी अगले साल में खचीता हूँ ऐसे केक मोल बोल के भेजे हे त काम है भैया का करबे। तब होल में बताए भैया बने मेला है गाँव में तो देखे हम बहुत सारा और ढेलवा उलवा तक लगे हैगा तैयार ते संग में झूलते के तक कहें भैया ला तल ले भाई अगली बार झूलबो मोर बात कराबे फोन लगाबे कहीं से देखता हूँ कहूँ बात हो जाही तुम्हारो बात ला फोन में करा दे थोर भाई। हेलो जी भाई साहब ये माइक लगा रहा हूँ मैं माइक पे लगा रहा हूँ सब फोन को ये सब है भैया हाँ। हेलो आवाज आ रही है आपकी मैं शुरू करूं जी सब सुन रहे हैं जी सब सुन रहे हैं आवाज आ रही है ताली बजा दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की आज परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर में अमर टापू में आयोजित समारोह में उपस्थित हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विधायक आदरणीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री दुर्गा बघेल जी, समिति के सभी पदाधिकारी गण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव गण और इस समारोह में उपस्थित क्षेत्र के सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथियों भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, आप सभी को
परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के बीच में उपस्थित होना चाहता था, जयंती समारोह में शामिल होना चाहता था, किंतु देरी की वजह से आ नहीं पाया। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और हमारे डिप्टी सीएम आप लोगों की भावना से हमको अवगत करा दिए हैं। आप लोग हर साल इस अवसर में भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होते हैं, बड़े अच्छे से समारोह को मनाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपका ये कार्यक्रम जयंती समारोह ठीक से सुचारू रूप से चले, इसके लिए हर साल 10 लाख रुपया शासन के तरफ से देने की मैं आप सभी लोगों को घोषणा करता हूं। आप सब लोग हर साल इसी तरह से अच्छे से मनाते रहें और बाबा गुरु घासीदास जी से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर बना रहे। हम सब लोग छत्तीसगढ़ को और आगे विकास के दृष्टि से ले जाएं, ये बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है। और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आज के समारोह में उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा याचना करते हुए और पूज्य बाबा गुरु घासीदास के जयंती की और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार भाई साहब जी जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जी मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। तो गुरु अमरदास सेवा समिति हर साल ए मेला के आयोजन करत है, तो कैसे कैसे करके सब होवत है काम। हाँ, दुर्गा भैया बतात रही से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे हैं अगले साल से एकर बर हर साल 10 लाख रुपया मेला के आयोजन बर आप मल्ला प्राप्त हो है और अच्छा से मेला उमा अपन करूँ। और बाकी लंबा चौड़ा का आकर बताई से भैया है तेल में भुला गए हो, ए पुन्नू लाल भैया बताई से तेल में भुला गए हो, ओला पूछूं अब ओखर संग रायपुर में ऑफिस ऑफिस ओखर पाछू पाछू घूमूं और हम भैया संग मिल के ओला बढ़ावो बात ला। तब आप सभी झनला में हाँ हृदय से अभिनंदन करत हुए, आप सब झन के आभार व्यक्त करत हुए और बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद हम सब झन के ऊपर रहे, हमार पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊपर रहे, सभी जनता सुखी रहें, अही प्रार्थना करत हुए अपन बात ला समाप्त करत हो। बोलिए परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा की।